रेडी रोल। एक्शन। हेलो गाइस, वेलकम टू करण सिंह ब्लॉग्स। गाइस, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि मैं आजकल व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ शूट्स में। तो उन शूट्स के चक्कर में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने शूट पे, जहाँ पे मैं शूट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको वहाँ का एक्सपीरियंस जो मैं रोज़ फेस कर रहा हूँ आजकल, वो आपको दिखाऊँ कि वो कितना अमेजिंग होता है, कितना मज़ेदार होता है। तो गाइज, आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ इस सफ़र पे। तो गाइज, करण सिंह व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। और हाँ, और मैंने गाड़ी ले ली है, नहीं, विटारा ब्रेजा VXI। तो जब से मैंने ये गाड़ी ली है, मेरे लिए गाड़ी लकी है, क्योंकि जब से मैंने ये गाड़ी ली है जब से मैं हर एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के शूट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरी गाड़ी लकी निकली। तो इसी के साथ मेरे लिए व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम व्लॉगिंग भी करेंगे, आज का शूट भी कंप्लीट करेंगे, व्लॉगिंग भी करेंगे, और आप सबको मैं अपना एक आज का पूरा दिन मैं कैसे स्पेंड करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो गाइज, आप बने रहिए, देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए करण सिंह व्लॉग्स। तो गाइज, चलते हैं। मेरे पास आज मुझे खुद ही शूट करनी है सारी वीडियो, और शूट भी करना है, ड्राइव भी करना है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। और गाइस, गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इतना कंफर्ट रहता है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। SUV है तो कंफर्ट तो रहेगा ही रहेगा, और मतलब इसका जो कैबिन है वो इतना नॉइस, इतना काम रहता है, इतना मतलब कि बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती। तो पेट्रोल डलवा लिया है हमने, आप पेट्रोल डलवा दिया, आप सीधा हम रुकेंगे लोकेशन पे। तो गाइस, आप बने रहिए मेरे साथ, पेट्रोल डलवा के टैंक फुल करा के अब आप पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए AC चला के फुल फाइन की तरह हम पहुँचेंगे लोकेशन पे। तो आपको मिलते हैं सीधा लोकेशन पे। गाइस, हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, और मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, और यहाँ का जो लोकेशन है, मतलब यहाँ के जो रोड्स हैं, बहुत खाली रहते हैं। हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये रोड्स, मतलब ये रोड कितना खाली रहता है, और शूट मतलब ये बहुत सही रहता है यहाँ के रोड्स। और ये यहाँ पे मेरा मतलब ऑफिस है, जहाँ पे हमने अपना, अभी दिखाऊँगा मैं नीचे ऑफिस कैसा है। और आज लोकेशन देखते हैं कि आज की लोकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ का जो रोड है बहुत सही है, मौसम भी बहुत ज़्यादा सही हो रखा है, तो आएगा मज़ा बहुत ज़्यादा शूट करने में। चलते हैं गाइस, हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, ये है ऑफिस। आज मैं ब्लॉगिंग करूंगा पूरी। ये है राहुल भाई, हमारे डायरेक्टर साहब। ये है मैम, ये है मैम, मैम आपका नाम दिव्या। दिव्या आगे कुछ आगे नहीं, आगे पैसे देने के बाद। हेलो सर, करण। मैं सतीश सिंह। कैसे सर? हाय, माय नेम इज आशु कुमार। ये हमारे कास्ट एंड क्रू, वन एंड ओनली डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, स्टेपलर भरते हुए गोलियां फील करते हुए। तो कुछ कहना चाहते हैं सर, कैसा रहा आज का शूट, क्या बहुत है? बढ़िया। तो क्या प्लानिंग है आज के शूट की? जल्दी पकड़, जल्दी निकालो, ये तो क्या करना है, स्टेपलर। आज जल्दी करना है शूट करना? हाँ, आज जल्दी हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देखते हैं कैसे जल्दी। हो गया।
आउटडोर का एक सीन निपटाने के बाद हम जा रहे हैं इंडोर शूट करने के लिए, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और शूट अच्छा जा रहा है, आउटडोर का एक सीन निपट गया है, बहुत जल्दी निपटाया हमने। अभी हालत बहुत बुरी है सबकी, दिखाता हूँ मैं आपको। गर्मी 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 भूख लगी है, पसीना देख सकते हैं कितनी मेहनत की है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये हमारा सीन जो भी होने वाला है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरा सेटअप है घर का, वही देखना है हमें। आपको और ये देखो भाई, हस्की जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं डर गया था इससे, क्योंकि इसके जो बाल है ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं रियल है, और इसको देख के ना हर कोई डर जाता है, वही चीज है बेटा। चलो चलते हैं, राहुल भाई गुस्से में आ जाएंगे, सेटअप करते हैं पहले। रेडी भाई, उसमें ना 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लग जाए एक पेन और दे दो। क्या चाहते हो कि पेंसिल दे दो। चलो ब्लॉग तो बन ही नहीं रहा अभी, पीछे से बन रहा है। अच्छा लगे पड़े हैं, रेडी रोल एक्शन। इसको एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ यार सही बोल रहा, बहुत टाइम होगा, चल मैं कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा शाम को मूवी में चलोगी मेरे साथ? नहीं यार अभी ना शाम को पेरेंट्स आ रहे हैं, नॉट पॉसिबल। हाथ लगाओ जल्दी, तो अभी तो जल्दी तो कट गई है। और तू स्क्रिप्ट उठा लिया? फिर हमने था क्या भाई? अभी सीट कट चल रहा है ना, बातें चल रही हैं। एक बार शुरू से ले लो, तुम थोड़े जल्दी हाथ रख लेना ऐसे। ठीक इसके बाद ये नहीं यार, पेरेंट्स शाम को इज नॉट पॉसिबल। ठीक बस कंटिन्यू ले लो पूरा शॉट एंड तक। ठीक यहाँ से उठने तक का रोल चाहिए जमीन चाटे। भाई साहब खतरनाक वाली बातचीत चल रही है। एक चाटे में एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ यार सही कह रहा, बहुत टाइम हो गया, चलो कुछ पीने के लिए लेके आते हैं। बहुत पुरानी ऐड है भाई, देख रहे पुरानी पुरानी ऐड की बात कर रहा है, पुरानी पुरानी ऐड उसका शूट कर रहे। तो रेडी जैसे मेरा ही शूट कर रहा है क्या? चलो यार पंखे बंद, देखो उसको दिखाओ वो जालिम इंसान, देखो जो वो कर रहे हैं इसका लोग है क्या?
तो एक सीन पूरा हो गया कंप्लीट, और इतनी मार पिटवाने के बाद ये लड़की कितना खुश है, ये इंसान कितना खुश है मुझे इतना पिटवाने के बाद, हंसी नहीं छूट रही किसी के मुंह से भाई, इतना पिटवाने के बाद खत्म हो गया पिट पिट के ना, बर्बाद बर्बाद। देखना कितना मजा आ रहा है। आप सबका स्वागत है केबीसी में, केबीसी में आपका स्वागत है टीबीसी में। तो यहाँ पे ये है दिव्या, दिव्या आ गई है, तोम क्या? अरे क्या है इसका नाम, दिव्या आगे क्या है, तोम पता नहीं, दिव्या पढ़ाई नहीं आगे, दिव्या दिव्या तोम तोम क्याल तुम सब पता नहीं तोम क्याल बोलने में तोतला की बोलते हो, दिव्या तोम क्याल, हाँ ये देखा दिव्या तोम क्याल, हाँ क्याल 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 के वाई एल, हाँ दिव्या तोम क्याल, हाँ तो फाइनली इसका पूरा नाम ले लिया हमने, दिव्या तोम क्याल अस्थाई से नहीं हो जाऊंगा, फिर कितना कमा लेते हो वैसे एक दिन से, कमाने का लाख रुपया कमा लेंगे महीने में, सही बात भैया, अपने बगल में इसकी रेडी लड़की देख के बहुत आएंगे भाई, इसको जॉब कर रखो एक दिन में भाग जाएंगे हैं, एक मिनट में लड़की आएंगे लेने के लिए, लड़की रहे आप लोग में कोई भी आप लोग कैमरा लेके आ जाना, ये ऐसे करके हम बेचेंगे ये यहाँ टमाटर दे दे खा ऐसे ले बोलेगा सारे पैक कर दो भैया, काम में मुझको एक सुकून मिलता है, मैं किसी का बोली नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन का सुनता हूँ, बहुत बढ़िया, तभी तो अपना बिजनेस सबसे बेस्ट हो, ये आपका खुद का बिजनेस है ना, ये आपकी खुद की रेडी है, अरे आप खाम ही खाएंगे भाई, आज भी इसको ऐसे खा सकते हैं जैसे कैटरिंग लगे थोड़ा हो जाएगा धोके खा, वो वाला आम मिलता है जो कैटरिंग ने कब खा दिया, सारी चीज मेरे पास जो तो वही रहता है, बस उसे सफाई होकर वहाँ जाता है, यहाँ पे जो टमाटर रहता है पता है उसमें क्या होता है कि छांट कर पूरा अच्छा से रख देते हैं, वही तो होता है, और वही टमाटर आप बनाते ये वाला आम खा सकते होंगे ना ऐसे करके चूस के, बिल्कुल तो सेली आम 2 किलो का नहीं है, और कम कैसे होगा है भैया, मतलब ये बट्टा रख के हो जाएगा, ये आओ तो यार नाप दो यार, थोड़ा सा आता नहीं है, मैं इस पर डाल दूँ, कितने का ज़्यादा भारी हो गया लग रहा है, नहीं ठीक है, नहीं ये वाला हट, नहीं ये वाला हटा देते ना इसको, इसको इसको रख, 950 1 किलो 950, अरे कोई फर्क, अरे 1 किलो 950 बताया ना, ये कितना है 100 ग्राम, अरे रुको इसको रख दिया और यहाँ पे रख दिया इसको, हो गया ठीक है, हाँ हाँ ठीक है बराबर ही है, हाँ 1 किलो 950 ग्राम है ना, नमस्कार। तो गाइस हमारा शूट बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर में हमारा शूट खत्म हो जाएगा, बस एक सीन, एक सीन ब्लॉग बना रहे भाई, एक सीन रह गया है और बस खत्म, उसको जल्दी आ रहे ना भाई, देखो ना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खड़े भी आ रहे, देख ले क्या हो रहा है, क्या शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, तो बस उसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और निकलेंगे यहाँ से, शूटिंग हो रही है, देखो ना, देखो ना नहीं परमिशन चाहिए कैमरा में दिखो परमिशन, सही लग रहा है, ये हमारे डायरेक्टर साहब राहुल रफी जी, राहुल भाई के पास एक ही रह गया, ये राहुल भाई का सही हाथ, इनके साथ काम करके बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, ये लड़का उम्मीद है जल्दी हम कुछ करने वाले हैं,
दस रुपए बस खत्म करके हम निकलेंगे घर फटाफट, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो गाइस शूट खत्म हो गया है पूरी तरह से और मैं अपने घर भी पहुंच चुका हूं। एक्चुअली जो क्लिप थी कि अब हम व्लॉग को एंड करेंगे वो हो नहीं पाई क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका था स्विच ऑफ और मैं था शूट करने के लिए मतलब लोकेशन पे और गाड़ी खड़ी थी मेरे लोकेशन से बहुत दूर और मेरे फ़ोन का जो चार्जर है वो मेरे गाड़ी में था, तो इसलिए मैं वो कुछ और जो इंटरेस्टिंग मोमेंट थे वो दिखा नहीं पाया। पर जितना भी था आज बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा शूट करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप लोगों को मज़ा आएगा अब देखेंगे जब। तो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच गया हूं घर, मैं बस गाड़ी खड़ी करके जस्ट घर जल्दी से जल्दी घर पहुंचूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। घर जाके अच्छे से मतलब डिनर करके मुझे सोना है और आराम से सोना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका पड़ा हूं। तो गाइस बस जल्दी से व्लॉग को ख़त्म करेंगे और आज यहीं पर मैं व्लॉग को ख़त्म करूँगा। तो गाइस बस आप इन्जॉय कीजिएगा और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ गाइस सब्सक्राइब भी करो यार, थोड़ी सी मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन, वैसे मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है, मैं बहुत मोटिवेट इंसान हूँ, मैं जल्दी से किसी भी चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होता। पर गाइस अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है मतलब 1% का भी अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्लॉग बनाता ही रहूं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। ठीक है गाइस, थैंक यू।